प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपना पांचवा पाठ कैसे चलेगी, जो कि एक कविता है, उसके लिखित प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। आज हमने मौखिक प्रश्नों को कर लिया है और मौखिक प्रश्नों को हमने चर्चा के द्वारा किया। तो शुरू करते हैं लिखित प्रश्नों को करना। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे और उस पर उसका उत्तर भी आपको लिखवाया जाएगा। तो लिखित प्रश्न है, पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पेड़ हमारी कौन सी गंदी हवा खींच लेते हैं? तो हम लिखेंगे, पहले प्रश्न लिखा जाए। लिखित का पहला भाग हम कर रहे हैं। निम्नलिखित, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है क, पेड़ हमारी, पेड़ हमारी कौन सी गंदी हवा, कौन सी गंदी हवा खींच लेते हैं, खींच लेते हैं। तो प्रश्न है, तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, जो पेड़ है वो हमारी गंदी हवा, जो हम सांस छोड़ते हैं, बच्चों आपको पता ही है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और पेड़ हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपने में खींच लेते हैं। आपने पढ़ा ही है EBS में कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं और उसके बदले हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तो इस पाठ में ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा गया है और गंदी हवा को कार्बन डाइऑक्साइड कहा गया है। तो हम इसका नाम लिख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गंदी हवा का अर्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ हमारी गंदी हवा कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं। तो इस पाठ में हमने दो चीज़ जाना, अच्छी हवा या का नाम क्या है, प्राणवायु कहा गया है ऑक्सीजन को। प्राणवायु क्या है, ऑक्सीजन है। और जो गंदी हवा जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें गंदी हवा होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और यही ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेड़ हमारी कौन सी गंदी हवा खींच लेते हैं। तो हम लिखेंगे, पेड़ हमारी गंदी हवा कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं। उत्तर है, पेड़ हमारी, पेड़ हमारी गंदी हवा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड खींच लेते हैं, खींच लेते हैं हमारा खा। प्रश्न, पेड़ धरती की मदद कैसे करते हैं? पेड़ धरती की मदद
कैसे करते हैं, ये हमारा दूसरा प्रश्न है लिखित का। दूसरा, पेड़ धरती की मदद कैसे करते हैं। तो हम जानते ही हैं जो पेड़ होते हैं वे क्या करते हैं, वे वर्षा या बादलों को आकर्षित करते हैं। जैसे कि हमारे कविता में लिखा है कि पेड़ जो है वो बादलों को बुलाते हैं। तो ये बुलाते कैसे हैं, तो मैंने आपको बताया जो पेड़ पौधे होते हैं वे वातावरण को ठंडा करते हैं, क्योंकि उनकी पत्तियों में छेद होता है और जिससे कि पानी वाष्पित होता है और उससे वातावरण ठंडा रहता है। और ठंडा वातावरण जो है और नमी इसमें होती है वो बादलों को बनने में मदद करते हैं। यहाँ तक कि बादल जो ऊपर से गुजर भी रहे होते हैं उनको वर्षा के लिए वे प्रेरित करते हैं। तो इस कारण से इस कविता में लिखा है कि जो पेड़ है वे बादलों को बुलाते हैं, और बादल आएंगे तो क्या होगा, वर्षा होगी, वर्षा होगी तो धरती की सिंचाई हो जाती है, चाहे वो बगीचा हो, चाहे वो खेत हो, चाहे वो वन हो, सबकी सिंचाई होती है। तो एक तरह से कहा जाए तो पेड़ धरती की मदद करते हैं बादलों को बुला करके, उनसे वर्षा करवा करके। यही हमें पूछा भी गया है कि पेड़ धरती की मदद कैसे करते हैं। पेड़ धरती की मदद बादलों को बुलाकर वर्षा करवा कर करते हैं। तो अगर हम इतना भी लिखेंगे तो सही है कि पेड़ बादलों को बुलाकर धरती की मदद करते हैं, क्योंकि बादल जब भी आते हैं तो वे वर्षा करते हैं और वर्षा से धरती की सिंचाई होती है। अगर वर्षा ही ना हो तो पेड़ पौधों को नदी तालाबों में पानी कहाँ से आएगा। सभी पेड़ पौधे और जो पशु पक्षी हैं सभी प्यास से मर जाएंगे। तो ये वर्षा को बुलाने का काम, बादलों को बुलाने का काम पेड़ करते हैं। हमारा उत्तर है पेड़ बादल को बुलाकर, पेड़ बादल को बुलाकर धरती की मदद करते हैं, धरती की मदद करते हैं तो प्रश्न था पेड़ धरती की मदद कैसे करते हैं। हमने उत्तर लिखा पेड़ बादलों को बुलाकर धरती की मदद करते हैं। तो बादलों को बुलाने का काम पेड़ करते हैं, और पेड़ वातावरण को ठंडा रखते हैं, और ठंडे वातावरण में जो होता है अगर वातावरण ठंडा हो तो बादल वहाँ ज़रूर बरसते हैं। तो ये काम पेड़ों ने किया है। अब हम अपने अंतिम प्रश्न पे आ जाते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है ग, पेड़ों के बिना हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं चलेगी। तो हमें पता ही है अगर दुनिया से सारे पेड़ हटा दिए जाए तो क्या होगा, हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिले, और जो पेड़ है वही हमें ऑक्सीजन देते हैं। जितना भी वायुमंडल में हवा में जितनी भी ऑक्सीजन है सब कौन देता है, सब पेड़ों ने ही बनाई। तो यदि पेड़ों को ही हटा दिया जाए और पेड़ों के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती, कविता का नाम भी है कैसे चलेगी, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी, अर्थात नहीं चलेगी, क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन है वो केवल पेड़ ही देते हैं। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो ज़िंदगी
कैसे चलेगी, अर्थात नहीं चलेगी, सभी जीव जंतु मारे जाएंगे। फिर हमारा दो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, हम इसे नोट कर लेते हैं। हमने ख और ख कर लिया है, अब इसे एक बार देख लीजिए और आपको इसे नोटबुक में नोट लिखना भी है। ये लिखित प्रश्न उत्तर है, इसे याद भी करना है और नोटबुक में भी लिखना है। पेड़ हमारी कौन सी गंदी हवा खींच लेते हैं? पेड़ हमारी गंदी हवा कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस का नाम है, आपको पता है, जो सांस छोड़ने पर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं। तो ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। तो पेड़ हमारी गंदी हवा कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं। पेड़ धरती की मदद कैसे करते हैं? पेड़ बादल को बुलाकर धरती की मदद करते हैं। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं अपने शब्दों में अगर लिख रहे हैं तो, पेड़ बादल को बुलाकर वर्षा करवाकर धरती की मदद करते हैं। दोनों तरफ से कोई ये ना सोचे कि जैसे मैंने लिखा वैसे ही वही सही है, इसमें जरा सा बदलाव करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। पेड़ बादल को बुलाकर वर्षा करवाकर धरती की मदद करते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, वो गलत नहीं। हमारा ग प्रश्न है, मैं ग लिखता हूँ। प्रश्न है ग, पेड़ों के बिना, पेड़ों के बिना हमारी जिंदगी, हमारी जिंदगी क्यों नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? उत्तर है, पेड़ों के बिना, पेड़ों के बिना हमें प्राणवायु, हमें प्राणवायु ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी और हमारी जिंदगी, और हमारी जिंदगी जिंदगी नहीं चलेगी। एक बार इसे समझ लेते हैं, इसका उत्तर क्या है। जैसा कि इसमें बताया है, पेड़ों के बिना हमारी जिंदगी क्यों नहीं चलेगी, हमें कारण बता रहा है कि अगर दुनिया से सभी पेड़ हट जाते हैं या पेड़ नहीं रहते हैं तो हमारी जिंदगी क्यों नहीं चलेगी, कारण हमें बताना है। तो हमने यही लिखा है, पेड़ों के बिना हमें प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि पेड़ ही दुनिया में, पेड़ ही ऑक्सीजन देते हैं। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, और बिना ऑक्सीजन के हमें पता है हम जीवित नहीं रह पाएंगे, तो यही बताया गया है।
तो कारण पूछा गया था, पेड़ों के बिना हमारी जिंदगी क्यों नहीं चलेगी। तो उत्तर में हमने लिखा, पेड़ों के बिना हमें प्राणवायु को ऑक्सीजन कहते हैं, आप चाहे तो इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ये सही रहेगा। हमने कार्बन डाइऑक्साइड को भी ब्रैकेट में लिखा, तो इसको कोष्टक में इसे बोला जाता है, कोष्टक में लिख देते हैं। तो प्राणवायु का नाम क्या है, ऑक्सीजन। अब हमें समझ आएगा, पेड़ों के बिना हमें प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। तो अगर बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते, सच्चाई हम सबको पता है। तो ये था हमारा लिखित प्रश्न का ग भाग, इसे आप नोट कर लेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और उसे याद भी करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, हमारा अगला है लिखित प्रश्न, पढ़ो समझो और लिखो। ये भी लिखित में ही है, लेकिन इसका है कि हमें इसको पाठ्य पुस्तक में करना है। और ये बहुत आसान है, कविता से संबंधित है। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि आपको एक कविता याद करनी है, ताकि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो बच्चे कैसे इसका उत्तर लिख पाएंगे, इसको हमें पता होना चाहिए। तो पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छा अपनी, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पेड़ खुद धूप सहकर सभी को अपनी छा देते हैं। तो इसको जरा समझना है, जो कवि जो होता है कविता लिखते समय क्या करता है, वो कविता को आकर्षक बनाने के लिए उसमें तुक वाले लय वाले शब्दों को जोड़ता है। तो लेकिन अर्थ जो होता है, अर्थ भी देना होता है उसे। अभी ये नहीं कि केवल उसने दुख बना दिया, लय बना दिया, एक सुंदर सी कविता लिख दी, लेकिन उसका अर्थ नहीं निकल रहा। अर्थ भी होना चाहिए, क्योंकि कवि अपना संदेश कविता के माध्यम से ही दे रहा है। तो इसको जरा हम लोग लिख के समझते हैं कि क्या करना है, क्यों करना है और हम इसे कैसे करेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने तो ये तीसरा प्रश्न कर दिया। तीसरा प्रश्न लिखित का दूसरा है, लिखित प्रश्न के अंतर्गत आएगा एक और लिखित का दूसरा प्रश्न। लिखित का दूसरा प्रश्न है, इसको समझ लेते हैं, पढ़ो समझो और लिखो। पहले हम इसको पढ़ेंगे तब समझ आएगा। पढ़ो समझो, पढ़ो समझो और लिखो, और लिखो। पेड़ सहकर धूप, पेड़ सहकर धूप खुद उसके बाद देते सभी को छांव अपनी, देते सभी को, देते सभी को छां अपनी। पेड़ सहकर धूप को देते सभी को छां अपनी, इसका क्या अर्थ है, हम इसे किस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो हम इसको किस तरह सकते हैं, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। पहला है
और इन दोनों को वाक्यों को, इन दोनों वाक्यों को मिला करके हम लिख रहे हैं। ये याद रखिएगा कि पेड़ खुद धूप में, खुद धूप में धूप सहकर सभी को अपनी छांव देते हैं, सभी को अपनी छांव देते हैं, छांव देते हैं। तो जो कवि होता है, कविता के रूप में लिख रहा है ना, तो उसको लय बनाना था, इसलिए इसने अपनी इसी बात को इस तरह लिखा है, पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छांव अपनी। लेकिन इसका अर्थ तो वाक्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो पेड़ खुद धूप सहकर सभी को अपनी छांव देते। तो अब हमें कविता की कुछ पंक्तियां दी जाएंगी, हमें इस तरह ही साधारण वाक्य में उसको लिखना है, न कि कविता के रूप में लिखना। ये वाक्य है क्योंकि पूर्ण विराम पे खत्म हो रहा है, और इसमें ये पढ़कर हमें यही बात इन दो पंक्तियों में, कविता की पंक्तियों में भी यही दो बात कही गई थी, तो हम इसे लिखते हैं। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छांव अपनी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं पेड़ खुद धूप सहकर सभी को अपनी छांव देते हैं। तो इसी तरह तीन पंक्तियां दे रखी हैं, उनको हम लिख के दोबारा लिखेंगे। तो ये तो उदाहरण के तौर पर था। चलते हैं अपना दूसरा क क है खींचते रहते निरंतर खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी। ये भी कविता की दो पंक्तियां हैं। अब हमें इसे इस तरह से लिखना है ताकि इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। अब वाक्य में हम इसे लिखेंगे जैसे अभी हमने पहले आपको बताया था, लेकिन शब्द यही होने चाहिए और अर्थ भी यही होना चाहिए। लगभग मान लेते हैं कि इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे और अर्थ में भी कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। तो खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, तो इसका हम लिखेंगे कि ये हमारी गंदी हवा निरंतर खींचते रहते हैं। ये पेड़ों के लिए लिखा गया, ये हमारी गंदी हवा ये हमारी गंदी हवा निरंतर खींचते रहते हैं तो एकदम सही है। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, ये हमारी गंदी हवा निरंतर खींचते रहते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, ये कविता की पंक्ति थी, हमने इसे साधारण से वाक्य में लिखा, ये हमारी गंदी हवा निरंतर खींचते रहते हैं। अर्थ भी आ गया, लगभग उन्हीं शब्दों का भी हमने प्रयोग किया है, अर्थ में भी कोई बदलाव नहीं। अब चलते हैं ख, इसको मिटा देते हैं। हमारा ख है जाएं इनको काटते ही
काटते ही तो मिलेगी छां कैसे, तो मिलेगी छां कैसे, तो जाए मत पढ़ रहे जाए इनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे, इनको काटते ही जाएंगे तो हमें छां कैसे मिलेगी, इनको काटते ही जाएंगे तो हमें छां कैसे मिलेगी। तो शब्द वही हैं, अर्थ में भी कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। इनको इनको काटते ही जाएंगे, काटते ही जाएंगे, इनको काटते ही जाएंगे तो हमें छां कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, इनको काटते ही जाएंगे तो हमें छां कैसे मिलेगी। इसे नोट कर लें। अगला है ग, ग और अंतिम भाग है इसका, इस प्रश्न का ग तथा अंतिम भाग है, इसे भी हम लोग लिख देते हैं। और लेने सांस को, और लेने सांस को फिर प्राणवायु, प्राणवायु कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, और लेने सांस को फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी। इसका वाक्य बना के हम लिखेंगे, और लेने सांस को फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी। हमें सांस लेने के लिए, हमें सांस लेने के लिए प्राणवायु कहाँ मिलेगी, हमें सांस लेने के लिए, हमें सांस लेने के लिए हमें सांस लेने के लिए प्राणवायु कहाँ मिलेगी, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना, क्योंकि हमें इसके अर्थ में बदलाव नहीं करना। तो पंक्तियाँ थी, और लेने सांस को फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी, तो हमने इसको एक प्रश्नवाचक वाक्य में लिखा है, हमें सांस लेने के लिए प्राणवायु कहाँ मिलेगी। तो इसी तरह हमने इसको अपने दूसरे प्रश्न को भी किया, और ये हमारा लिखित प्रश्न था, और इसे आप अपने पाठ्य पुस्तक में ही करना है। तो अब तक हमने क्या क्या किया है, एक बार उसको मैं दोहरा देता हूँ। अब तक हमने पांचवें पाठ की कविता लिखी, कविता से संबंधित चित्र भी बनाए, उसके बाद हमने पाठ के शब्दार्थ लिखे, मुहावरे थे नहीं, मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा कर लिया है, लिखित प्रश्नों को आज मैंने आपको लिखवाया, और ये लिखित का जो दूसरा प्रश्न था इसे हम पाठ्यपुस्तक में करेंगे, क्योंकि इसके लिए जगह दिया गया। तो बच्चों यहाँ तक का काम आपका पूरा होना चाहिए, और कल हम
इसका अगला अभ्यास प्रश्न जो कि व्याकरण से संबंधित है, भाषा से के अंतर्गत आता है, उसे हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।